जैसे कि दोस्तों कुछ समय पहले 2020 की जो वैकेंसी थी वनरक्षक भर्ती, उसके अंदर हमारा परिणाम जारी नहीं किया गया था। हम लोगों ने फिजिकल के अंदर क्वालिफाई थे, उसके बावजूद भी हमारा परिणाम जारी नहीं हुआ था। तो उसमें कोर्ट में जो केस चल रहा था, दोनों ही जिसमें कुछ लोगों ने बॉल थ्रो नहीं की थी, 55 माइनस थे, हम लोगों ने बॉल 55 मीटर फेंक रखी थी, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट जारी नहीं हुआ। अब हम लोगों ने जो कोर्ट केस कर रखा था उसका फैसला आया है, और हम लोगों ने जो कोर्ट का आदेश है वो एक्स सर्विसमैन सभी आर्मी पर्सन वो लेके आए हैं, और आलोक राज जी साहब से यही निवेदन करने आए हैं कि जल्द से जल्द अब जो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसके ऊपर थोड़ा सा संज्ञान लाए और जल्दी से हमारा रिजल्ट जारी करके हम लोगों की ज्वाइनिंग, बचे हुए जो वनरक्षक जो वेट कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी वनरक्षक ज्वाइन करवाई जाए। ये मामला सर 742 पे अटका हुआ है, जो ऑलरेडी 55 माइनस थे उन्होंने केस कर रखा था कि विज्ञप्ति के हिसाब से हमें छूट दो, पर विज्ञप्ति में छूट एक्चुअल में है नहीं सर, तो इसलिए 55 प्लस वालों को हमें ज्वाइनिंग दी जाए। कोर्ट का ये आदेश था 2 तारीख का, ये आ गया फैसला, और अभी आलोक राज जी से यही निवेदन कर रहे हैं कि जो पास हैं कैंडिडेट उनकी ज्वाइनिंग दी जाए। अभी मुलाकात हुई नहीं है, अभी हम मुलाकात करने आए हैं, ये 10-20 आदमी फौजी है, ये हम सारे जोधपुर से आए हैं, अभी मुलाकात करेंगे और इसके बारे में जल्दी ये थोड़ा निवारण करेंगे। आलोक राज जी से यही निवेदन करने आए हैं सर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, कई चिरू से आए हैं, कोई झुंझुनू से आए हैं, कोई अजमेर से आए हैं, कोई नागौर से भी आए हैं, पूरे राजस्थान लेवल के मतलब बंदे आए एक्समैन। तो ये रिक्वेस्ट है सर कि जल्दी से जल्दी इसका निवारण किया जाए। 2020 की है जिसमें ये भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी है, सिविल बंदों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, लेकिन हम एक्स सर्विसमैन को हमें रोक रखा था कोई रिट की वजह से, उसका निर्णय कोर्ट ने दे दिया है। अभी हम बोर्ड अध्यक्ष से यही निवेदन करते हैं कि ये आदेश देकर हमारे भी आगे की प्रक्रिया एक्स सर्विसमैनों की शुरू की जाए, जो हम फिजिकल क्वालिफाइड है उनकी प्रक्रिया आगे के लिए शुरू की जाए।